हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क में आज के टाइम में बहुत सारी जॉब्स हैं जो खाली पड़ी हैं। डेनमार्क में काम करने के लिए वर्कर नहीं हैं, वर्कर की बहुत शॉर्टेज है। तो डेनमार्क जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको हायर कर रहा है, जॉब दे रहा है ताकि डेनमार्क में आकर वो जॉब कर सकें। तो आपको भी डेनमार्क का वर्क परमिट मिल सकता है। तो मैं चाहता हूं कि गुड न्यूज़ आपको ऑनलाइन दिखा दूं, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो नाउ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन ये शेंगन वीज़ा न्यूज़, बहुत ही रिलायबल न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने यहाँ पे बिग न्यूज़ दी है। डेनमार्क इज़ लुकिंग फॉर वर्कर्स फ्राम अदर कंट्रीज़ टू फिल इन दीज जॉब्स, यानी कि डेनमार्क इस टाइम जो वर्कर्स हैं दूसरी कंट्री से उनको ढूंढ रहा है ताकि जॉब्स को फिल किया जा सके जो खाली पड़ी हुई हैं। आगे पढ़ लेते हैं जो पूरी की पूरी जो न्यूज़ है। यहाँ पर लिखा है द डेनिश गवर्नमेंट पब्लिश्ड न्यू पॉजिटिव लिस्ट फॉर हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज अर्लियर इन जुलाई इन ऑर्डर टू मीट द लेबर शॉर्टेजेस दैट डेनमार्क हैज़ बीन डीलिंग विद। यानी कि जो डेनिश की जो सरकार है टाइम टाइम पर एक लिस्ट जारी करती है कि उनको कौन कौन से फील्ड में वर्कर की ज़रूरत है ताकि वो जो लेबर की शॉर्टेज को कम किया जा सके। और यहाँ पे लिखा है द एजेंसी फॉर इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एंड इंटीग्रेशन सिरी, शॉर्ट फॉर्म है इसकी, एक्सप्लेन्स दैट द पॉजिटिव लिस्ट फॉर पीपल विद अ हायर एजुकेशन इंक्लूड्स अ टोटल ऑफ 45 जॉब टाइटल्स वेयर इज द पॉजिटिव लिस्ट फॉर स्किल्ड वर्कर्स इंक्लूड्स 46 टाइटल्स। यानी कि जो जॉब्स निकलती है डेनमार्क के अंदर उसके टाइटल्स दिए जाते हैं। तो टोटल यहाँ पे लिखा है 91 टाइटल्स हैं। दिस मीन्स दैट 91 नेशनल्स ऑफ अदर कंट्रीज कैन अप्लाई फॉर वन ऑफ दीज जॉब्स इन डेनमार्क प्रोवाइडेड दे आर एलिजिबल। यानी कि 91 कंट्री के जो लोग हैं वो डेनमार्क में इन जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं अगर वो एलिजिबल होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको समझने के लिए कि एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़रूरी है। आगे लिखा हुआ है सिरी हैज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड एन ओवरव्यू ऑफ द जॉब टाइटल्स ऑन द पॉजिटिव लिस्ट फॉर हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर्स। यानी कि पहले से एक लिस्ट जारी हो चुकी है जो मैं अभी आपको आगे आपको दिखाऊंगा। अकॉर्डिंग टू सिरी, डेनमार्क इज़ करंटली लुकिंग फॉर स्किल्ड वर्कर्स इन डिफरेंट professional fields. The job titles for skilled workers required in Denmark based on the professional field are as follows. यानी कि जो डेनमार्क जो जॉब जो ढूंढता है स्किल्ड वर्कर्स को उनके टाइटल्स जॉब के इन्होंने दिए हुए हैं। यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं किस किस फील्ड में जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। साइंस एंड इंजीनियरिंग एसोसिएट प्रोफेशनल, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, प्लम्बिंग टेक्नीशियन, आगे लिख रखा है अप्रेजर, मर्चेंडाइजर, बायर, शिपिंग एजेंट, केस वर्कर्स एंड रियल इस्टेट एजेंट्स, लॉजिस्टिक असिस्टेंट्स, ये भी जॉब्स खाली पड़ी हुई हैं। आगे लिखा हुआ है फैमिली काउंसलर, पैरिश क्लर्क, हेड शेफ़, आगे लिखा है सीनियर क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट की जॉब भी खाली है। आगे लिखा है बुक कीपर, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्लर्क, फिनेंस असिस्टेंट, सेल्स सपोर्ट असिस्टेंट, ये जॉब भी खाली है। ह्यूमन रिसोर्सेज असिस्टेंट की जॉब भी खाली है। आगे लिखा है शेफ्स एंड हेयर ड्रेसर, यानी कि जो कुक हैं उनकी जॉब भी खाली है। अगर आप हेयर ड्रेसर में आपको एक्सपर्टीज है तो आपको भी जॉब मिल सकती है। आगे लिखा है सोशल एंड हेल्थ केयर असिस्टेंट की जॉब खाली है। इसके अलावा आप देख सकते हो बहुत सारे ब्रिक लेयर है जो मजदूर होते हैं, यानी कि जो घर बनाते हैं उनके लिए भी, कारपेंटर भी है, बिल्डिंग पेंटर भी है, डेकोरेटर भी है, इनके लिए भी जॉब खाली है। शीट मेटल की जॉब खाली है। कंस्ट्रक्शन, ब्लैक स्मिथ, बॉडी वर्क, मेटल वर्कर, ये मतलब जो लोहे का काम करते हैं जो वो उनकी ज़रूरत है। मैकेनिक चाहिए इनको कार के लिए, पैसेंजर के लिए, क्रेन मैकेनिक इनको चाहिए, एग्रीकल्चर के लोग चाहिए। आगे लिख रहा है इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रो टेक्नीशियन की जॉब खाली पड़ी है इनके पास। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कन्फेक्शनर, कैबिनेट मेकर की जॉब खाली है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग हो गया, वुड वर्किंग हो गया, गारमेंट की फील्ड में लोगों की ज़रूरत है। आगे लिखा हुआ है मैनेजर्स इन द सोशल फील्ड, डेली मैनेजर की जॉब खाली है। प्रोडक्शन इंजीनियर्स इनको चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, ग्रेजुएट इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, इन्वायरमेंटल मैनेजर, इंजीनियर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स इनको चाहिए। इस इवन आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है मेडिकल, यानी कि मेडिकल डॉक्टर चाहिए इनको, नर्सेज भी चाहिए, मिडवाइफ भी चाहिए, डेंटिस्ट भी चाहिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जॉब्स भी खाली है। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे खाली है। बिजनेस कॉलेज टीचर भी इनको चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर्स, अकाउंटिंग कंट्रोलर, एचआर कंसल्टेंट एंड इवन आईटी कंसल्टेंट, आईटी क्वालिटी एम्प्लॉय, आईटी प्रोजेक्ट लीडर, प्रोग्रामर एंड सिस्टम डेवलपर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी जॉब हैं। इवन लीगल ऑफिसर की जॉब खाली है, रेडियोग्राफर, डेंटल हाइजीनिस्ट। तो आप देख सकते हो लिस्ट बहुत बड़ी है, यहाँ पे हर इंसान के लिए जॉब है। तो हमारे भारत के जो लोग हैं जिनको जॉब की तलाश है, आप ये सारी मेरी वीडियो देख रहे हो, तो आप इन सब जॉब्स को अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब मिल सकती है डेनमार्क में। आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको वर्क परमिट दिलाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो या ये सारी जॉब्स हैं डेनमार्क में, अगर आप इनको अप्लाई करोगे, हमें कॉन्टैक्ट करोगे, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं इन जॉब्स को आपको दिलाने के लिए। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जैसे आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे ताकि आपको आंसर मिल सके। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि अगर आपको जॉब चाहिए डेनमार्क में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको वर्क परमिट दिला सकते हैं। अगर आपको स्टडी करनी है डेनमार्क में तो आपको स्टडी वीज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको स्पाउस वीज़ा चाहिए तो स्पाउस वीज़ा लगा सकते हैं, आपका टूरिस्ट वीज़ा भी लगा सकते हैं। सो बहुत एक्सपर्ट है हम डेनमार्क को लेकर। आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको डेली हमारी वीडियोस देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच।